जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो के। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली ये ट्रेडमैन वालों के लिए है, जो CISF ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं या CRPF ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली वीडियो है कि आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है वो कैसे होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, या पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है जो CISF का है या CRPF का, तो वो कैसे होगा, उसकी किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप वो ट्रेड टेस्ट पास कर सको। आपको पता है CISF में रेलवे तो छोटी वैकेंसी है, लेकिन जो CRPF की वैकेंसी है ये काफी बड़ी वैकेंसी है, 9212 पोस्ट की। अभी इसमें पहले पेपर कर दिया, लेकिन अंत में जाके आपका इसमें ट्रेड टेस्ट होगा, वो आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, अन्यथा आप वहां पिछड़ जाओगे। पेपर की आप चाहे कितनी तैयारी कर लो, अगर आप ट्रेड की तैयारी नहीं कर पाए तो आप पिछड़ जाओ। तो अभी ये बच्चा भी एक ट्रेड टेस्ट दे के आया CISF का। साथ ही जो बच्चे ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, वो रख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी ट्रेड के लिए, CRPF के लिए भी आपको मिल जाएगा, CISF के लिए भी मिल जाएगा, ITBP, SSB सभी के लिए। अगर आपको ट्रेडमैन के इस बैच में जो रख सकते हैं, इसमें पहले आपको पेपर की तैयारी कराई जाएगी, फिर ट्रेड की, तो आपकी दोनों तैयारी एक साथ हो जाएगी। लाडलो कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ये QR कोड है, इसको स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिए कमांडो अकेडमी का एप। आज अभी क्या नाम है? अंकित बघेल। अंकित बघेल कहाँ से? यूपी से। और कौन सा टेस्ट था तेरे? CISF का कुक का था, कुक ट्रेड। पहले क्या हुआ था, उसमें पूरी प्रक्रिया बता। सबसे पहले उन्होंने 6 बजे एंट्री ले ली सर, फिर उसके बाद फिर सबसे पहले हाइट चेक हुई, नॉर्मली हाइट चेक हुई थी, फिर उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट चेक हुए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके गए? डॉक्यूमेंट्स सर ओरिजिनल कॉपी चाहिए थी उसकी, आधार कार्ड की और 10th की मार्कशीट की, दो चीज ओरिजिनल, और फिर उसके बाद मूल निवास और 12th की मार्कशीट वो कॉपी होनी चाहिए, उनकी कॉपी होनी। जा रहे ना, 10th क्लास की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, डोमिसियल भी आपका हो सके तो ओरिजिनल लेके जाना, बाकी उसकी फोटोकॉपी भी चल रही है, और इसके अलावा 12th क्लास की मार्कशीट अगर आपने अप्लाई करना चाहते हो तो दिखा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। मेन डॉक्यूमेंट थे आधार कार्ड और 10th क्लास की मार्कशीट। फोटो कितनी लेके गया था? 4 फोटो भी आपको चाहिए कि ध्यान रखना CISF ट्रेडमैन वाले। फिर उसके बाद फिर उन्होंने मतलब डॉक्यूमेंट चेक हुए, उसके बाद उन्होंने हाइट चेक की, हाइट चेक करने के बाद फिर चेस्ट, और चेस्ट के बाद वेट, वेट चेक करने के बाद फिर उसके बाद रनिंग हुई। कितनी हुई रनिंग? रनिंग हुई 1600 मीटर की। टाइम 6:30 पूरे दिए। पास हो गए तो? हाँ सर, रनिंग पास हो गई। कितने लड़के पास हो थे रनिंग? लड़के सर 150 लड़के आए थे, वैसे 400 लड़के बुलाए थे, लेकिन 150 ही लड़के आए थे, उनमें से 80 लड़के पास हो गए थे। पहले बात तो 400 लड़के बुलाए थे CISF ट्रेडमैन में, बच्चे वहाँ पहुंचे लगभग 150, और उनमें से भी 80 बच्चे पास हुए। ठीक है, फिर कौन सा ट्रेड था? अच्छा, तेरे को क्या टेस्ट लिया था? फिर उन्होंने फिर कुक ट्रेडमैन में सर बिरयानी बनवाई थी। कौन सी, वेज या नॉन वेज? नॉन वेज वाली। अरे दादा, नॉन वेज खाता तू? नहीं सर। ओ, तभी फंस गई इसकी गाड़ी। आप नॉन वेज नहीं खाते हो ये वहां नहीं चलेगा, अगर आप कुक ट्रेड से फार्म भरते हो तो आपको वहां पर नॉन वेज बनाया जाएगा, चाहे चिकन बनवा ले, अभी एक बच्चे को चिकन का बोला था उसने तो बना दिया था, या बिरयानी जैसे इसको बोला था बिरयानी, केवल ओनली बिरयानी या और भी कुछ? बिरयानी बोला था। बना दिया था या नहीं बना पाए? नॉर्मली वो चावल बना दिए थे वो ऐसे वाले, बस बिरयानी बिरयानी नहीं बना पाए, इसलिए ट्रेड में फेल कर दिया। फेल कर दिया था? हाँ। ट्रेड में कितने बच्चों को फेल कर? ट्रेड में सर सारे बच्चों को ट्रेड में ही फेल किया, 80 लड़के पास हुए थे, उसमें से 11 लड़के लिए हैं सिर्फ बस। बस अब मान के चलिए जो लक्की बच्चे हैं जिनको ट्रेड पास हो गया, भाई बहुत लक्की बच्चे हैं जो CISF में ट्रेडमैन का टेस्ट पास हो रहे हैं, और मैं आपको बता दूं ये सेम होगा CRPF में भी। पेपर पास करने से नहीं होगा, ट्रेड टेस्ट पास करना पड़ेगा ट्रेडमैन के लिए, जो भी ट्रेड है वहाँ। तो उस दिन जो आपके समय जो रनिंग हुई थी सारे कुक ट्रेड के थे सर, उसमें और भी थे, बोसरमैन वगैरह भी थे, लेकिन उन्होंने सबसे कुक का ही काम करवाया था सबसे। अच्छा, पहले फॉर्म किसी और से भरा था? सर वहाँ पे बहुत सारे लड़के थे, उन्होंने बोसरमैन वगैरह का डाला था, गार्डनर वगैरह, लेकिन सबसे उनका काम वही था, सब पे कुक का ही काम करवाया था। ऐसा क्यों पता नहीं सर, सब उन्होंने वहाँ पे जो फॉर्म भरवाया था उसमें ऊपर सबसे कुक लिखवाया था, जानबूझ के कुक लिखो। चलिए, उसने वॉशरमैन से भी फॉर्म भरा हो। हाँ, चाहे वॉशरमैन से सर थे, उसमें बहुत सारी जो सफाई कर्मचारी वगैरह, वॉशरमैन वगैरह, ये जो सफाई कर्मचारी से भी फॉर्म भर रखे हैं ना, वो भी ध्यान देना भाई, जैसे बच्चा बता रहा है कि सफाई कर्मचारी से फॉर्म अप्लाई करना। हाँ, यस सर। और उन्होंने कुक का ही काम करवाया, उनसे कुक का ही था वहाँ पे। खाना बना के बताओ, ये तो जबरदस्ती सी हो गई भाई। कौन सा सेंटर?
कौन बदली यूपी ऐसा, तो ये तो गलत है। अगर सफाई कर्मचारी से भरा तो उसका सफाई कर्मचारी का एंट्री होना चाहिए, लेकिन तेरे समय सबसे लगभग लगभग सबसे और 80 देखो 400 बच्चों को बुलाया, 400 में से 150 बच्चे पहुंचे, 150 में से 80 बच्चों ने रनिंग पास की और 80 में से केवल 11 बच्चों ने ट्रेड टेस्ट पास किया। यही आंकड़ा है, यानी ओवरऑल 400 में से 11 बच्चे आगे गए अभी। और पेपर का कुछ क्या बताया, पेपर कब होगा? तो लाडलो जो भी पास हो गए हैं वो ध्यान रखना, और जो भी देने जाने वाले वो स्पेशली ध्यान रखना, इस प्रकार से आपके ट्रेड टेस्ट होंगे। ठीक है, कुक का आपको पूरा प्रिपरेशन करके जाना है, खाना बनाना तो आपको आना ही चाहिए अगर आप कुक ट्रेड से भरते हो। सफाई कर्मचारियों के साथ ऐसा हुआ तो वो थोड़ा सा गलत है। ठीक है, ओके लाडलो, जय हिंद।